नहीं भी मान रही है कि वो लड़की के साथ था। तीन साल पहले मेहुल की भारत से फरारी जितनी रहस्यों से भरी रही, उतना ही सस्पेंस उसका डोमिनिका पहुंचना भी रहा। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मेहुल हनी ट्रैप में फंस गया या फिर क्यूबा भागने के चक्कर में फंस गया। एंटीगा से गायब होने के दो दिन बाद मेहुल को डोमिनिका में पकड़ा गया। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक जब मेहुल डोमिनिका पहुंचा तब वो वाकई एक महिला के साथ था। बाद में डोमिनिका से तस्वीर आई जिसमें पुलिस हिरासत में मेहुल के चेहरे और हाथ पर चोट के निशान थे और ये जेन्युइन इंजरीज हैं। और जब उनको उठाया गया फोर्सिबली या एंटीगा से और यॉच पे रखा गया और फिर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, तो ये उस बीच के दौरान की ये सारी की सारी इंजरीज हैं। इसी वजह से कोर्ट ऑर्डर के द्वारा उनको कोविड टेस्ट कराया गया जो कि रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो इन्हीं इंजरीज की वजह से अभी उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। मेहुल के पत्नी प्रीति चौकसी भी लड़की के होने की बात से इनकार नहीं कर रही, लेकिन उसे गर्लफ्रेंड बताने पर उन्हें एतराज है। उनका कहना है कि वो पुरानी पहचान की है, पड़ोस में रहती है। I have not met her. वो एंटीगा में अगस्त में आई थी एक वीक के लिए। हमारे बाजू में वो और उसके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने घर लिया था, रेंट किया था अपार्टमेंट एक वीक के लिए, 2nd of August से 7 August तक। उसके बाद वो अप्रैल में आई थी एक वीक के लिए एंड देन अभी आई है। इस मिस्ट्री वुमन के बारे में अब भी डोमिनिका पुलिस कुछ नहीं कह रही। सबसे पहले एंटीगा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने खुलासा किया था कि मेहुल चौकसी गर्लफ्रेंड के साथ डोमिनिका गया था जहां वो पकड़ा गया। The information that we're getting now is that he may have taken his girlfriend to Dominica, probably to dinner to have a good time and so on, and got caught. Now, that would have been a monumental error. मेहुल के डोमिनिका पहुंचने पर